हेलो एवरीवन, मैं अमित जुनेजा आप सब लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सब लोगों को बताने जा रहा हूं तीन ऐसे प्रोजेक्ट जो दीनदयाल से रिलेटेड हैं और सोना के अंदर ये बेस्ड हैं। तीनों के तीनों प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट बेसिकली वैल्यू फॉर मनी प्रोजेक्ट हैं और आने वाले दिनों में यहाँ पर अच्छा एप्रिशन देखने को मिल सकता है आप लोगों को। और साथ ही साथ मैं आपको इसके अंदर ये भी बताऊंगा कि दीनदयाल पॉलिसी के अंदर क्या प्लॉट्स आते हैं, किस साइजेस में आते हैं और ये पॉलिसी के तहत जो है क्या प्रोसीजर रहता है गवर्नमेंट का, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आई हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि दीनदयाल प्रोजेक्ट्स की पॉलिसी में होता क्या है। एक नॉर्मल प्लॉट्स होते हैं जो कि हुड्डा के हो गए या किसी प्राइवेट बिल्डर के होते हैं, जो 60 गज से लेके आपको अप्रोक्सीमेटली 500 गज 1000 गज के साइज भी देखने को मिल जाते हैं। बट एज पर नॉर्मल प्लॉट्स सिनेरियो गवर्नमेंट जो है सिर्फ 180 गज से ऊपर अलाउ करती है फ्लोर की इंडिविजुअल रजिस्ट्री के लिए। बट इस केस के अंदर जो हम दीनदयाल आवास योजना के प्लॉट्स देखते हैं, जो पॉलिसी आई है इसके अंदर आपको जो है 60 गज से लेके 179 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट साइज देखने को मिलते हैं और इसमें गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल राइट दिया है होल्डर को कि वो फ्लोर बना के प्लॉट के ऊपर रजिस्ट्री करवा सकता है इंडिविजुअल। इन दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है और कुछ खास डिफरेंस नहीं है। एक चीज और इसके अंदर थोड़ा सा लुक्रेटिव इन्होंने डाली है बिल्डर्स ने, जो दीनदयाल आवास योजना के प्रोजेक्ट्स हैं इसके अंदर आपको गेटेड लोकेलिटी के साथ साथ क्लब की फैसिलिटी, पार्क और काफी चीज डेवलप करके देगा बिल्डर, जो कि आप नॉर्मल प्लॉट की कैटेगरी में देखते हैं तो वहां पे आपको ये चीजें देखने को नहीं मिल पाती हैं। और इसके अंदर आपको ये चीजें की एडवांटेज मिल जाती है इन चीजों की। अब मैं आपको तीन प्रोजेक्ट के नाम बताने वाला हूं जो कि सोना के अंदर वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन हाँ सस्ता कुछ भी नहीं है। लोग मेरे पास फोन करके बोलते हैं सर हमें सस्ता चाहिए, सस्ता प्रोजेक्ट के अंदर पैसे डालने हैं हमने। मेरे भाई एक चीज आप मान के चलो, सस्ता इस चीज इस दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो बिल्डर को आप देखो कि कौन से बिल्डर का प्रोजेक्ट है, लोकेशन को देखो आप और क्या एमिनिटीज प्रोवाइड कर रहा है बिल्डर, तभी आप जो है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर पैसा डालना, इन्वेस्टमेंट करना। बिना उसके ड्यू डेलिजेंस करके आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर पैसा मत डालना, ये मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है। क्योंकि पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और कहीं भी इन्वेस्ट करके आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर फंस जाओगे तो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। अब मैं आपको उन तीन प्रोजेक्ट के नाम बताने वाला हूं जो कि काफी अच्छी वैल्यू फॉर मनी के प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले मैं नाम लूंगा JMS मेगा सिटी का। ये सेक्टर 5 में बेस्ड है और इसका रेरा जस्ट अभी अभी आया है, हफ्ता एक पहले ज्यादा से ज्यादा। और ये जो टाउनशिप है बेसिकली 15 एकड़ के आसपास की है और इसमें आपको 110 गज से लेके 146 गज के प्लॉट साइज देखने को मिल जाता है। कंपनी की बात करते हैं तो 70,000 पर स्क्वायर यार्ड का कंपनी का रेट है इसके अंदर। इनॉग्रल 5,000 पर स्क्वायर यार्ड का डिस्काउंट दे रही है जो कि बनता है आपका 65,000 पर स्क्वायर यार्ड। ये बेसिक है, अदर चार्जेस ऐड होंगे आपके इस प्रोजेक्ट में। लेकिन अगर आप रीसेल में देखेंगे तो आपको यही प्रोजेक्ट 54-55,000 पर स्क्वायर यार्ड बेसिक में देखने को मिल जाएगा। हो सकता है मेरे पास एक दो यूनिट कुछ रीजनेबल रेट पे और भी मिले, तो अगर किसी को इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग फर्दर कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो इसके रिगार्डिंग। अब दूसरा प्रोजेक्ट मैं बताने जा रहा हूँ सेक्टर 5 के अंदर ही, ये जो है पारस एकम का प्रोजेक्ट है। ये भी जो है 15 एकड़ के आसपास की टाउनशिप है और इसमें 114 गज से लेके 179 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट साइज आपको देखने को मिल जाते हैं। और इसका रीसेल का प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 60-62,000 पर स्क्वायर यार्ड के आसपास, डेट इज ऑल इंक्लूसिव। और ये बेसिकली जो है पोजीशन हो चुका है इसका प्रोजेक्ट का, आप जो है यहाँ पर जो है सीधा रजिस्ट्री करवा के अपने नाम पर और यहाँ पे जो है फ्लोर बनाना चाहें तो फ्लोर भी बना सकते हैं। अगर किसी एंड यूजर को चाहिए अपने रहने के लिए तो इस पारस एकम को कंसीडर कर सकता है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये वाला भी। अब मैं आपको तीसरा प्रोजेक्ट बताने वाला हूँ जो कि है मेफेयर का, ये है गोल्डन पार्क।
ये बेसिकली 18 एकड़ की टाउनशिप पे है और ये सेक्टर 4 के अंदर आता है, सोना के अंदर। इसके अंदर आपको 125 गज से लेके 175 गज का साइज मिल जाएगा। कंपनी ने अभी रिसेंटली यहाँ का रेट 85,000 पर स्क्वायर यार्ड कर दिया है, लेकिन रीसेल के अंदर आपको यही चीज 60,000 से लेके 65,000 रुपए गज तक मिल जाएगी। ये तीनों प्रोजेक्ट्स गेटेड लोकेलिटी होने के साथ साथ आपको एमिनिटीज काफी अच्छी प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर आपको क्लब की फैसिलिटी भी मिल जाती है, एमपी थिएटर और जो है किड्स प्ले एरिया सेपरेट आपको देखने को मिल जाएगा। इवन पार्क भी काफी अच्छी वेल मेंटेन डेवलप होंगे इन प्रोजेक्ट्स के अंदर आने वाले दिनों में। आप देखना पारस में तो आपको देखने को मिल भी जाएगा और मेफेयर में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको क्रिकेट पिच और फुटबॉल का प्ले एरिया भी सेपरेट देखने को मिल जाता है अलोंग विद ऑल दिस फैसिलिटी। इन तीनों प्रोजेक्ट का आप देखोगे तो आने वाले दिनों में आपको जो है 75 मीटर रोड दिख जाएगी इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल क्लोजली जाती हुए, जो कि इन प्रोजेक्ट के जो है प्राइसेस को भी एनहांस करेगा और आने वाले दिनों में जो है इसकी डिमांड भी क्रिएट करेगा। ये बहुत ही अच्छा टाइम है अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है या एंड यूज से देखना इन प्रोजेक्ट्स को, जिसके पास टाइम फ्रेम 2-3 साल का है तो वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके इजीली डाल सकता है वो। और इन प्रोजेक्ट्स की जो है कनेक्टिविटी आज की डेट में अगर आप सोना रोड से देखते हैं, राजीव चौक से आप जो है सोना रोड पे जाते हो और हार्डली आपको राजीव चौक से 15 मिनट्स का टाइम लगेगा इस साइट पर पहुंचने के लिए। ये बेसिकली दमदमा रोड जो जा रही है आपका, उसके ऊपर ये सेक्टर 4 और सेक्टर 5 बेस्ड है और इसी के ऊपर ये दोनों तीनों प्रोजेक्ट भी आते हैं। और एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है GLS का और IREO का, ये दोनों प्रोजेक्ट भी अच्छी लोकेशन पर बेस्ड हैं और आज की डेट में इन दोनों प्रोजेक्ट का रेरा नहीं आया। अगर आप लोगों को बिना रेरा वाले प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपना जो है ड्यू डेलिजेंस करके इन्वेस्टमेंट करें। मैं किसी को भी ये राय नहीं देता कि वो जिसका जिस प्रोजेक्ट का रेरा नहीं आया उसके अंदर पैसा डाले। मैं हमेशा लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा महंगा ले लो, लेकिन उसी प्रोजेक्ट में पैसा डालो जिसका रेरा आ चुका है। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।